नाम है मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। देश में लगातार पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है, लोगों का हाल बिल्कुल बेहाल है और इसी वजह से खाने पीने की चीजों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश में ऐसा देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वहीं देश में रोजगार की मांग भी युवा कर रहे हैं। तो इसी सबके चलते विपक्ष भी केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है, देश में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, देश में लगातार आवाजें उठ रही हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। तो वही शरद पवार ने भी इस वक्त केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने केंद्र सरकार को और मोदी सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है कि जब उनकी सरकार थी यानी यूपीए की सरकार थी देश में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो वही के मोदी सरकार अब महंगाई को रोक पाने में, बढ़ती महंगाई को रोक पाने नाकाम नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि हर मोर्चे पर, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो या महंगाई की बात हो, लगातार मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है और उसके फेल होने का कारण यही है कि नीतियां जो यूपीए ने बनाई थी यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई थी उनको कहीं ध्वस्त कर दिया गया और नई नीतियों को देश पर धकेल दिया गया। इसी वजह से कहीं ना कहीं आज देश की यह हालत है। तो देखना होगा कि महंगाई के मुद्दे पर जिस तरह विपक्ष सरकार को घेर रहा है, केंद्र सरकार उसके लिए क्या नई नीति बनाती है और क्या मास्टर प्लान रहने वाला है सरकार का आने वाले वक्त को लेकर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।